हल्द्वानी में रामलीला का मंचन किया गया। 150 वर्ष पुराने श्री रामलीला मैदान में रामचरितमानस पर आधारित प्रभु श्री राम की लीला का मंचन विद्धि सिद्धि के दाता गणेश पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। शास्त्री गोपाल भट्ट ने गणेश पूजन संपन्न कराते हुए रामलीला का प्रारंभ करवाया, जिसमें बताया कि दिन की रामलीला 23 नवम्बर से प्रारंभ होगी और रात्रि लीला का मंचन 26 नवम्बर से प्रारंभ किया जाएगा। विवेक कश्यप द्वारा बताया कि रात्रि रामलीला मंचन के लिए मथुरा से रामलीला मंचन करने हेतु कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही कहा कि आने वाले वर्षों में रात्रि रामलीला का मंचन भी स्थानीय कलाकारों के द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित भव्य श्री राम बारात 26 नवंबर को बरेली रूट से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान पहुंचेगी। इसका निमंत्रण पत्र कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को देकर आमंत्रित किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राम जी के आशीर्वाद से रामलीला संचालन समिति 2022 पूरे शहर वासियों का, पूरे उत्तराखंड वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में जो रामलीला का मंचन नहीं देख पाए, बड़ा मलाल था लोगों में, लेकिन इस बार कुमार राम जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर संचालन समिति ने तैयारी की है। कोरोना के बाद पुनः भव्य रूप से आयोजन करने की यहाँ पर शिव मंदिर बात कर दी गई है। आगामी जो नवरात्रि आयोजक है, जिनके द्वारा भव्य सभी को राम महाराज का आयोजन किया जा रहा है, और सभी करता हूँ भगवान से संचालन कमेटी के सदस्यों और राम भक्तों से अनुरोध करती है कि 25 तारीख को मेहंदी का